हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सब कामों में सबसे कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं आपका मन उससे उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, आप खुद से दृढ़ निश्चय भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और यह बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसके उलट कोई भी अच्छी आदत अपना सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठने की, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस्य आता है। क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है, और हम उसे ही नज़रअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक बार एक वाचाल शिष्य एक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हुआ था। वह शिष्य अपने गुरु की बहुत कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वह बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे, ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातों को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वह वाचाल शिष्य बीच में बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं हर आने जाने वाले विचार को बड़ी गहराइयों से देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। मैं अक्सर सुबह देर से उठता हूँ और रोज़ रात को मैं यही सोचकर सोता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, जल्दी उठकर ध्यान करूँगा, अपने मन का निरीक्षण करूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता, सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरों के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपा करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वह क्या महसूस करते हैं? ध्यान करते वक्त कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए। गुरु ने उस वाचाल शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? वाचाल शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, उससे मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूँगा, या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूँगा, तो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊँगा?
वह वाचाल शिष्य अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए, इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है? गुरुजी ने उससे पूछा कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वह तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वह अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा, तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे। तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ पाओगे जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओगे, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ। जिस भी विषय को या जिस भी चीज़ को तुम्हें समझना हो, तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गए, तुम उसको कभी नहीं समझ पाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो, कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूँ तो ऐसा ही होता है, मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूँ, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूँ। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है, वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसीलिए वह यह कभी नहीं देख पाता कि गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार यह गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा, वह कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वो कला नहीं है कि वह अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज़ के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीज़ों को उसके परिपूर्ण, उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीज़ों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी अनित्यता पता चलती है, तब तुम्हें पता चलता है कि यह सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस, वह हमेशा इंसान के साथ रहती है। वह दृष्टा, साक्षी जो उसको देख रहा है, वह हमेशा जीवित रहता है, वह कभी नहीं मरता, वह नित्य है और वही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज़ से कभी बंधी हुई नहीं होती। चेतना तुम्हारा होश है, तुम्हारी चीज़ों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रगाढ़ तुम्हारी चेतना होगी, उतनी ही अच्छी तरीके से तुम चीज़ों से अलग हटकर उनको देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज़ का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई
कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं, वह अनित्य है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, और वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ, कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आज़ाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज़्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आज़ाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर, चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार आता है और दूसरा जाता है। जब दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, और इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हुजूम चल रहा होता है, एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, और दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, उसी प्रकार हमारे मन की भूमि में अनेकों विचार आते और जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, हम उनके साथ बहने नहीं लग जाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनको साक्षी बनकर देखते जाते हैं, और देखते देखते धीरे धीरे वो सभी विचार विलीन होने लगते हैं, और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है, और तब हमें पहली बार अपने चैतन्य होने का पता लगता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली मकसद है, वही हमारा स्वरूप है, और उसके लिए अपने मन की भूमि से खरपतवार हटानी जरूरी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, बस उन विचारों को देखते रहना है कि एक विचार जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो, और देखते देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा, चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या किसी से घृणा होती है तो हम तत्क्षण उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तेजित न हों, शांत रहे, शिथिल रहे, और हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता, एक भाव जाता है तो दूसरा आता है, खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, घृणा हमेशा नहीं रहती। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं, और सिर्फ एक प्रेम और आनंद हमारे अंदर बच जाता है, उसे ही हम परम आनंद कहते हैं, और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना,
अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना और देखते देखते वो चाल तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। जब कोई मन नहीं बचेगा तभी हम हर चीज़ में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होना होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारा मन करेगा तब ध्यान करेंगे और जब हमारा मन नहीं करेगा तो ध्यान नहीं करेंगे, और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, ये भी तुम्हारे मन की एक भावना है। तुम्हें ये बात सुनने में मज़ा आ रहा है कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन ये बातें हमेशा तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद महसूस होगा चेतना जो जाती है वो शाश्वत होती है, कभी नहीं मरती, और बाकी सभी चीज़ें अनित्य है, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगी, वो पीछे छूट जाएंगी। कोई भी चीज़ संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तब हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसलिए चेतना कभी नहीं मरती। गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे, उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। अगर आपको ये बोध कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो में यहाँ तक आने के लिए आपका धन्यवाद।